भीड़ बचाए, इंतजार की घड़ियां होने वाली है समाप्त, और जिनका इंतजार करने, जिनके दर्शन करने आपसे दूर जाकर आए हैं, बीच से छोड़ गए, वही नटेश्वर महाराज, वही लक्ष्य बाबा पहुंच चुके हैं मैदान से, अपना स्नेह अपना आशीर्वाद देने, आप सब की मनोकामना पूर्ण करने। तो देखिए नटेश्वर महाराज के साथ दो गण जिनकी उत्पत्ति भी भगवान भोलेनाथ ने की थी, उनके गुस्से को साधने के लिए, उनके गुस्से को काबू में लाने के लिए, मैंने पहले भी बताया कि माता सती के हवन कुंड में प्रवेश करने के बाद, यानी अग्नि कुंड में भस्म होने के बाद, भगवान भोलेनाथ ने गुस्से में अपने एक लठ निकाली और उसे धरा पर दे मारा, उसी से पैदा हुए ये वीरभद्र, ये नटेश्वर, ये लक्ष्य महाराज। और जो गुस्से के कारण हमेशा गुस्से में रहने वाले, भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया कि जाओ दक्ष प्रजापति का शीश काट कर ले आओ। तो नटेश्वर यानी लक्ष्य महाराज ने भगवान भोलेनाथ का आदेश सुना और गए दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने और दक्ष प्रजापति का शीश काट करने। तो कहते हैं दक्ष प्रजापति का शीश काट कर जैसे ही नटेश्वर जी यानी लक्ष्य बाबा लेकर आए, तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ से कि भगवान सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा अगर दक्ष प्रजापति को जीवन दान नहीं मिला। तो तब भगवान भोलेनाथ ने देवताओं की आराधना को स्वीकार किया और बताते हैं कि अपना त्रिशूल उठाकर उन्होंने एक दिशा में फेंका, सबसे ज्यादा सिर जिसका आएगा तो वही जो है दक्ष प्रजापति को जीवन दान के रूप में मिलेगा। तब हिरण चित्तन का वो सिर उस त्रिशूल में आया और जीवन दान मिला दक्ष प्रजापति को। नटेश्वर महाराज की, लख्या बाबा की। तो फूल अष्ट से पूजा की जा रही है माता बहनों द्वारा, और जो भी लोग दर्शन के लिए आए हैं वो सब भगवान भोले के जय भोले लक्ष्मी भोले की, भगवान भोलेनाथ के इन अंश से आराधना करने आए हैं, इनके दर्शन करने आए हैं, इनकी पूजा अर्चना करने आए हैं और मान व्यक्ति करने आए हैं। घर वन गोठ प्राण देश प्रदेश जोले जाछन, सब सुखी रहो, कुशल रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और खुश रहो। तो यही आशीर्वाद हमारे नटेश्वर बाबा द्वारा दिया जा रहा है, जनता की पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं और चारों तरफ यह सुंदर सा नजारा बरसात के मौसम का, जब हमारी खेती बाड़ी अपनी जवानी की तहजीब में होती है यानी पकने को तैयार है, और चारों तरफ दृष्टि में एक अलग ही छवि दिखाई देती है, अलग ही आनंद दिखाई देता है। तो इस समय में ऐसे उत्सव को मनाना वाकई में हमारे क्षेत्र की खुशहाली का प्रतीक है। तो अपना गर्व रूप दिखाते हुए और उस गर्व रूप को मैं भी अपना प्रेम छलकाते हुए जनमानस को, अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए हमारे नटेश्वर महाराज, लक्ष्य बाबा, भगवान भोलेनाथ की लटा से उत्पन्न ये भी तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उन पर अपने स्नेह और प्यार छिड़का रहे हैं। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लक्ष्य बाबा का, लक्ष्मेश्वर महाराज का इसमें आशीर्वाद पाकर
हमारी जनता यहाँ पर जीता होगी। लेकिन हम जनता से निवेदन करेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक तो अपने बच्चों का हाथ में छोड़ देगा, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए प्लीज, अपने बच्चों को संभाल कर अपने पास रखिएगा ताकि इतनी बड़ी भीड़ में कहीं भूल ना हो। इसका ध्यान हर माता पिता को रखना है, जो भी बच्चे साथ में आए हैं ध्यान रखें। और निवेदन करेंगे जैसे ही ये यात्रा यहाँ से अपने स्थान पर जाएगी, हमारा जनता से निवेदन रहेगा सबसे पहले माताओं बहनों को आप जाने देंगे, जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दीजिए, बड़े आराम के साथ पीछे जगह छोड़ो और थोड़ा सा स्थान दीजिए, जगह दीजिए, जगह छोड़ दो भाई, लटेश्वर महाराज की, लटेश्वर बाबा की, भूमिया देवता की, भूमिया देवता की। उमंग और जोश दिलाने वाले लिए हमारे वाद्य, हमारे बालिकाजे और उनकी ठाकुर में फिरकते हमारे किरदार, जिनमें हैं भगवान भोलेनाथ की भक्तों से उत्पन्न होगी, यानी लटेश्वर महाराज, लट्ठा महाराज और वीर भद्र के रूप में जाने वाले ये किरदार। की तरफ लखनऊ बाजार का शाम होने जा रहा है और जो भी विद्यालय का समापन होता है सभी से हमारा अनुरोध है सबसे पहले मंदिरों में गहरों को जाने दें। किसी का पिक था, किसका गिर गया है, अगर जी का है तो उनसे ले लें, तो ठीक था किसी का गिर गया है और अगर किसी का होता नहीं है भगवान लटेश्वर के दर्शन करने आए सभी भक्तगण, सभी माता बहनें जाते वक्त भीड़ का ध्यान दें, महिलाओं को सबसे पहले निकलने दें, बुजुर्गों को पहले निकलने दें, तब जाके नौजवान और बच्चे बाहर जाएं, इस बात का विशेष ध्यान दें। और ये भी ध्यान दें कि अपने अपने बच्चों का हाथ आप लोग पकड़ के रखिएगा, अगर मैदान छोड़ दें जिससे लखिया बाबा का फिर आगमन हो रहा है, मैदान छोड़ दीजिए, क्या लखिया बाबा, लखिया बाबा, क्या लखिया बाबा, लटेश्वर महाराज बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अपन तरफ बेटे सब उनको अभिनंदन करती हूँ बेटे, और दिल यात्रा पर्व सब उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रकार हर घर में माँ गौरा भगवान महेश्वर की पारंपरिक पूजा के साथ हमारे यहाँ सातू आठू से हिल यात्रा की धारा प्रभावित होती है, मेरी कामना है उसी प्रकार सुकुनाम जैसे कि दुबई देश दौड़ हो जाओ हिमालय में किसी हिम तक जो है और आपके जीवन में सपन का सुख समृद्धि और शांति की धारा निरंतर प्रभावित होती रहे। भाइयों बहनों, मैं बहुत खेद से कि मैं पूर्व में निर्धारित बहुत सारे कार्यक्रम किया पल्ली बेटे जिन्हें डेट पल्ली बेटे तय थी वो कारण मैं आप सब लोगों के बीच में तमाम बीच में
ये आयोजन में सीधे सीधे शामिल नहीं हो पाऊंगी और अल्लाह गोकुल की टीवी में आए जो है ना वर्चुअल मैं सब निर्णय जुड़ पाऊंगी, लेकिन मैं संतोष कि ये आखिरी युग नया जो टेक्नोलॉजी जमान से ये मैं ज्ञान विज्ञान जमान से ये जमान में मैं आप सब लोगों नगर ये माध्यम से जुड़ू मरी और सफल को ये हिल यात्रा जो इतन फूल मेल होगी ये मेला मैंने देख पाऊंगी मैं बोलते ये अवसर पर मैं जतुगले कलाकार छन आयोजक छन और जतुगले हमारे भक्त छन महेशा डोमरा का जतुगले पूजने वाले छन उन सभी ले मैं बहुत बधाई दी बहुत आभार व्यक्त कर छी जिन ले ये कार्यक्रम साथ सफल गमन में बहुत महत्वपूर्ण अपनी योगदान दे रहा है और सूर घाटी में ये ऐतिहासिक हिल यात्रा पुष्कर दाल कर जरूर हूँ और आज आगे और आले कैमरे टीवी में आए हमारे पुष्कर दाल और मैं देख रहे हो जब तो हमारे लिए मात्र शक्ति दे रहे पुष्कर दाल इच्छा देख रहे थी जब दूर तक से टाइम में राम है उनके और भगवान राम उनके सब हाथों से दूर तक उनके आज वही महान राम ने ये हिलता फिलते में हो गए सब तुम्हारी अवस्था यहाँ पुष्कर दाल आज जो सूर्य जनता लख्या बाबा थे केवल और केवल उनकी आशीर्वाद मांगन था कि हमारे पुष्कर दा राम जी ये सचिव रहूँ प्रदेश को विकास करूँ आज हमारी जनता आखिर केवल हमने रहती आज हमारी जनता केवल पुष्कर दा जी लख्या बाबा का आशीर्वाद मांगन रहे मगर एक गलती हो गया गलती ये होगी कि आज साक्षात भगवान हमारे पिक्चर में आ रहे हैं धाम जी अवतार लिवे मुख्यमंत्री का अवतार लिवे हमारे पिक्चर में आ रहे हैं ये छह पट्टी सूर्य की जनता को ही कह बड़े रईसों चल उठे जब जाता आ रहे थे जो मांगे ने तो मैं पटू कहाँ छू जब ये हमारे यहाँ पर कहेगा हम जाता उतरी दो हम कुल त्यागान की आ रहे हो तो लोहे कुमार त्यागाना लोहे कुमार त्यागाना लोक गोंडे जाता आ रहे हो मैया चंडीगढ़ जाता आ रहे हो तब मैया चंडीगढ़ धाम छन गोंडे धाम छन मगर आज हमार साक्षात पुष्कर दा विकास धाम छन हमार उत्तराखंड धाम छन जनता फूल चढ़ाए के अच्छे चढ़ाए के जीरे जनता साहब प्रधान दिन हो पुष्कर दा अपन मुख प्रोग्राम से प्रधान दिन आ अल्लाह पहली बार चल रहे कि पुष्कर दा दो नंबर मुख्यमंत्री छन पर हमार हमारे यहाँ छह मैच कुनान हमारे यहाँ महिलाओं कुनान हमारे यहाँ की बैनिंग कुनान है तो राजनीति खड़ा रहा हम के नाम में दो नंबर सी तेरह नंबर था हिमालय हिमालय कपाल दे कुनान हिमालय कपाल दे और हमारे पुष्कर कपाल दे कुनान हमारे पुष्कर का आधा दे कुनान पुष्कर पुष्कर का हम कुनान ही ये है जो हमें जो क्षेत्र जनता था मैं सबको का दुख और कष्ट देना मेरे अपना खाते और जरूर उनका हरण कर लो और पुष्कर डा का मुस्कान किया जाता है जो चारों तरफ प्रकृति हरियाली चादर हो जाती है चारों तरफ हरा भरा होकर देखो कैसे ऐसे में किसान कैसे झूठ से जाकर मारते सुंदर गीत का गायन भी किया जाता है और नाचते झूमते गाते हुए अपने शरब का भी उपयोग करते हुए शरब से दर्शाते हुए तो वो मैदान पर आते हैं अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन चेक हो रहा है हम भी क्यों रहते हैं जो भी ये कॉम्पिटिशन तो हमारा शुरू हो जाता है उसके बाद फिर आपसे बड़ा बात होती है क्योंकि इंडिया अभी चुप है बहुत बहुत धन्यवाद महाराज की।
आज मेले में आए। हाँ, इधर से आते हैं तो आएंगे। यहाँ पर इस दिन पर नहीं उपस्थित हो पाऊंगा, लेकिन मेरे ओर से पूरे चोर घाटी को और पूरे कुमाऊं वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद है कि आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की जनभावना को देखते हुए अभी 5 बजे उनका बैचलर संबोधन पूरे गिरजापा के उपस्थित सभी भक्तजनों के बीच उनका संबोधन होना है। मैं इस अवसर पर ज्यादा न बोलते हुए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, मैं कुमाऊं के वासियों को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कहा है कि अगर यहाँ पर गिरजापा मैदान को विस्तारित करने की अगर सहमति होगी या कोर्ट में अगर कोई बड़ा ऐतिहासिक काम करने की जरूरत होगी तो मेरी ओर से वो सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मिलेगी। लेकिन Thank you.